हेलो गाइस, वेलकम टू माय टॉप यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 मोस्ट वॉच्ड सॉन्ग, जो सॉन्ग्स लोगों ने बहुत ज्यादा देखे हैं और ब्लॉकबस्टर भी हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपनी कमाल मूवीज और सॉन्ग्स से ना सिर्फ इंडिया को अपना दीवाना बनाया है, बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और सब लोग बहुत ही बेसब्री से किसी न्यू सॉन्ग या मूवी का वेट कर रहे होते हैं। तो आज हम उन टॉप 5 सॉन्ग्स की बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत ज्यादा देखे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, लग दी लाहौर दिया। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है लग दी लाहौर दिया, जो कि सुपरस्टार सिंगर गुरु रंधावा का सॉन्ग है। बेशक आप पंजाबी म्यूजिक को पसंद ना करते हो, लेकिन एक पर्सनैलिटी ऐसी भी है जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं गुरु रंधावा की। गुरु रंधावा इंडिया के मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट में से एक हैं। इनका गाना इस लिस्ट में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, गुरु रंधावा की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुल मिलाकर इनको म्यूजिक वीडियो पर 7 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। गुरु रंधावा का लाहौर गाना 13 सितंबर 2017 को रिलीज हुआ। इस सॉन्ग पर अब तक 928 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, जो जल्द ही 1 बिलियन भी क्रॉस कर लेगा। और इस सॉन्ग पर 4.1 मिलियन लाइक्स भी हैं। ये इस बात का सबूत है कि लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया। इस गाने को ना सिर्फ गुरु रंधावा ने गाया है, बल्कि इन्होंने इस गाने को कंपोज भी किया है और इसके लिरिक्स भी लिखे हैं। जबकि इस सॉन्ग को म्यूजिक जी म्यूजिक ने दिया है। इस गाने के आने के बाद गुरु रंधावा की जिंदगी में 4 चांद लग गए। आज गुरु रंधावा जो भी हैं, इसमें इस गाने का अहम किरदार है। नंबर 4, जरूरी था। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है सॉन्ग जरूरी था, जो कि राहत फतेह अली खान ने गाया है। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसको 8 जून 2014 को रिलीज किया गया था। इस गाने को गौहर खान और खुशल के ऊपर बनाया गया था और दोनों ही इस गाने में कमाल की एक्टिंग करते नजर आए। इस गाने को आवाज दी पाकिस्तानी मोस्ट फेमस सिंगर राहत फतेह अली खान ने, जबकि इस गाने में म्यूजिक था साहिर अली बगा का, जो कि पाकिस्तानी सुपरस्टार सिंगर हैं। जबकि इस गाने की लिरिक्स लिखी थी खलीलुद्दीन रहमान ने, जो कि पाकिस्तानी हिट ड्रामा राइटर हैं। ये गाना वैसे तो पाकिस्तानी गाना है, लेकिन इसे इंडिया में भी खूब पसंद किया और इस गाने के 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। नंबर 3, हाई रेटेड गबरू। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है सॉन्ग हाई रेटेड गबरू, जो कि गुरु रंधावा का है। गुरु रंधावा आज कितने पॉपुलर हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका एक और गाना इस लिस्ट में शामिल है। हाई रेटेड गबरू 3 जुलाई 2017 को रिलीज हुआ। इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस गाने पर 5.6 मिलियन लाइक्स भी आ चुके हैं। इस गाने में लिरिक्स से लेकर कंपोज और डायरेक्ट का काम ही गुरु रंधावा ने खुद किया। इस गाने की वीडियो को डायरेक्ट गिफ्टी डायरेक्टर ने USA की ब्यूटीफुल लोकेशन पर डायरेक्ट किया है। गुरु रंधावा इस म्यूजिक के बाद ही म्यूजिक की दुनिया में जाना माना नाम बन गया। नंबर 2, मिले हो तुम हमको। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है सॉन्ग मिले हो तुम हमको बाय नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़। दोस्तों, जब भी हम सुपरहिट सॉन्ग्स की बात करते हैं, तब हम नेहा कक्कड़ को नहीं भूल सकते, क्योंकि नेहा ने अपने छोटे से कैरियर में कई सुपरहिट गाने दिए हैं, जिसमें शामिल है आंख मारे दिलबर और मिले हो तुम हमको। वहीं उनके भाई टोनी कक्कड़ भी पॉपुलर गाने दे चुके हैं। जब ये दोनों भाई बहन म्यूजिक वीडियो के लिए एक साथ आए, तो इन्होंने एक ऐसा गाना बनाया जो कि इंडिया का मोस्ट सेकंड व्यूड गाना है। मिले हो तुम हमको की म्यूजिक वीडियो पर 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और इस गाने पर 8.7 मिलियन लाइक्स भी हैं। इस गाने के लिरिक्स और म्यूजिक का काम टोनी कक्कड़ ने किया। ये गाना 27 जुलाई 2016 को जी म्यूजिक पर रिलीज हुआ और तब से अब तक ये लोगों का फेवरेट ट्रैक बना हुआ है। नंबर 1, लॉन्ग लाइची।
दोस्तों नंबर वन पर आता है लॉन्ग लाइची सॉन्ग जो कि मन्नत नूर का है। कौन सोच सकता है कि एक पंजाबी गाना इस लिस्ट में पहले नंबर पर होगा। लॉन्ग लाइची 21 फरवरी 2018 को टी सीरीज अपना पंजाब पर रिलीज किया गया है और बहुत ही कम वक्त में ये गाना वायरल हो गया था और इसके व्यूज ज्यादा होना शुरू हो गए। इस वीडियो पर अब तक कुल 1.2 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुका है और इस पर 3 मिलियन लाइक्स हैं। इस गाने को मन्नत नूर ने गाया है जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। इस गाने की लिरिक्स सरमजीत ने दी हैं और म्यूजिक गुरमीत सिंह ने दिया है। ये गाना लॉन्ग लाइची फिल्म से है जो कि नीरू बाजवा और आर्मी विक ने मेन रोल प्ले किया। दोस्तों नीरू बाजवा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो खत्म हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट सॉन्ग के बारे में अपने कमेंट्स लाजमी दें और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।